हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा में। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो जो कि सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड था, उस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए कि सर, कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम सुनने में आ रहा है कि बहुत टफ होता है और हम पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखिए, जो कैंडिडेट्स फेल हो गए हैं या जिनका कंपार्टमेंट आया है, उनका मोरल पहले से ही बहुत ज़्यादा डाउन है और उन कैंडिडेट्स को बहुत सारे चैनल वाले और बहुत सारे और कैंडिडेट्स जो पास हो चुके हैं, उनका मोरल डाउन कर रहे हैं कि बहुत टफ पेपर आता है, ऐसा है वैसा है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ सहित दिखाने वाला हूं कि आपका पेपर कैसा आता है, जो जनरल पेपर है वो कैसा होता है और जो कंपार्टमेंट का पेपर होता है वो कैसा होता है, किस सब्जेक्ट में ईजी आता है और किस सब्जेक्ट में टफ आता है, मार्किंग कैसे होती है मैं आपको ये भी बताऊँगा, कितने लोग लगभग पास हो जाते होंगे और कब तक रिजल्ट आता होगा। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो ताकि आप खुद से मैच कर पाओ। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि हमारी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच जाया करें। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि सीबीएसई हर साल अपने उन कैंडिडेट्स के लिए जुलाई महीने में कंपार्टमेंट की परीक्षा आयोजित करती है जो किसी कारण से टेंथ या ट्वेल्थ क्लास का एग्ज़ाम ठीक से पास नहीं कर पाए और उनके नंबर कम हो गए या किसी कारण से उनका कंपार्टमेंट आ गया, वो फेल हो गए, उनके लिए एक परीक्षा आयोजित होती है जुलाई में। अगर वो उसको भी फेल कर ले जाते हैं तो फिर से उनको चांस मिलता है फरवरी मार्च में, और अगर उसको भी फेल कर ले जाते हैं तो अगले साल की जुलाई परीक्षा में वो पार्टिसिपेट करने को पाते हैं। तो दोस्तों, दिखाने के लिए, सब कुछ प्रूफ दिखाने के लिए मैं आ गया हूँ सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे, cbse.nic.in पे। आप भी इस तरीके से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, यहाँ पे आ सकते हो, और जैसे ही आप यहाँ पे आओगे आपको ये दो लिंक आपको शो हो रहे होंगे। पहला लिंक होगा सीबीएसई रिजल्ट से रिलेटेड और दूसरा होगा लिंक सीबीएसई की वेबसाइट से रिलेटेड। अब आपको करना क्या है, सिंपली इस लिंक पे क्लिक करना है, सीबीएसई रिजल्ट वाले लिंक पे। जाइए हमारे साथ, चलिए और देखते रहिए कि प्रूफ क्या है, इजी होता है या टफ होता है। तो देखिए, जब ये वेबसाइट खुलेगी आपकी सीबीएसई की, तो वहाँ पे 2019 का रिजल्ट आपको शो हो रहा होगा, क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ का। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो थोड़े थोड़े नंबरों से जिनका रुक गया, अब उनके सामने प्रॉब्लम आ रही है, वो डरे हुए हैं क्योंकि एक बार तो मोरल डाउन है ही, उनका पेपर अच्छा नहीं गया, ऊपर से फिर से डरे हुए हैं कि पता नहीं मैं तैयारी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, फिर ऊपर से हल्ला ये हो रहा है कि बहुत टफ पेपर होता है, बहुत टफ पेपर होता है। तो देखिए, जब भी आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ फिर से लिंक दिखाई देंगे और वो लिंक होंगे कैरिकुलम एंड सिलेबस का, वोकेशनल एजुकेशन का, एग्जामिनेशन रिलेटेड मटेरियल और जो एग्ज़ाम के बायलॉज हैं, स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है। तो इन सब में आपको कहीं नहीं ज़रूरत है, बस आपको इस लिंक से मतलब है एग्जामिनेशन रिलेटेड मटेरियल। अब इस मटेरियल, इस पे क्या दिया होगा, इस पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे एक नया विंडो ओपन होगा, आइए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब ये दोस्तों एक नया विंडो ओपन हो गया है और इस विंडो में क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से देखिएगा, एग्जामिनेशन रिलेटेड मटेरियल्स दिए हुए हैं क्लास टेंथ के और क्लास ट्वेल्थ के, यानी जो आपने एग्ज़ाम दिया है उससे रिलेटेड जो चीज़ें होनी चाहिए वो यहाँ पे दी गई हैं। अब चूंकि कंपार्टमेंट की परीक्षा आने वाली है और बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं, तो इसने यहाँ पे दो लिंक एक्टिव किया है सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर का, जिसमें क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ का क्वेश्चन पेपर कंपार्टमेंट एग्जाम का वो डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ का पेपर दिया हुआ है और ये मार्किंग स्कीम दी गई है। पहले मैं मार्किंग स्कीम के बारे में आपको बता देता हूँ। मार्किंग स्कीम में क्लास टेंथ और ट्वेल्थ की के बारे में दिया है। अब जब इस पे आप क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, तो ये पता लगेगा आपको कि किस तरीके से वो नंबर देते हैं। देखिए, नंबर में अंतर होता है, अंतर क्या होता है ये जान लीजिए। जो क्लास टेंथ की परीक्षा है या क्लास ट्वेल्थ की परीक्षा है, ये जो नॉर्मल परीक्षा होती है फरवरी मार्च वाली, उसमें जो मार्किंग होता है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है क्योंकि सभी बच्चे रेगुलर रहे होते हैं, एक साल की उन्होंने पढ़ाई करी हुई होती है। अब जब कंपार्टमेंट का एग्जाम होता है तो उसकी जो इवैल्यूएशन होती है
थोड़ी सी कॉर्डियल होती है, वो थोड़ा ज़्यादा नंबर देते हैं ताकि जिन बच्चों का मोरल डाउन हो गया है, एक बार फेल हो गए हैं, दोबारा उनको फिर किसी तरीके से उनको पास किया जा सके। अगर उन्होंने किसी भी तरीके से लिखा है, आप पासिंग मार्क के नज़दीक हैं, तो वो आपको फेल नहीं करते दोस्तों। तो अब इसमें होगा क्या, मार्किंग स्कीम जब आप ओपन करेंगे तो लिखा होगा कि किस तरीके से मार्क्स अलाट किए जाते हैं। तो जिस भी क्लास से आप बिलोंग करते हैं उसकी मार्किंग स्कीम को खोल लीजिए, क्लास टेंथ से या क्लास ट्वेल्थ से, और उसको पढ़ लीजिए। अभी नया अपलोड ये हुआ है, न्यू अपडेट आया है, और यहाँ पे जा करके आप अपने क्लास से रिलेटेड चीज़ों को देख सकते हैं। हमारा मैटर ऑफ कंसर्न यहाँ पे स्कीम नहीं है, हम उसके बारे में बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे। मैंने बस सिर्फ इतना बताया कि जान लीजिए कि वो आपको पास करने की इच्छा से कॉपी चेक करने बैठते हैं ताकि आप किसी न किसी तरीके से पास हो जाओ। हमने भी कई बार इसकी कॉपियों को चेक किया है तो हम जानते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। देखिए आप कैसे तुलना कर पाओगे, इसके लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। अब इस साल तो नॉर्मल पेपर आपको मिला होगा जो आपके लिए टफ ही रहा होगा, तभी आप उसमें फेल हुए। आइए हम दिखाते हैं आपको क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ का क्वेश्चन पेपर 2018 का। एक तो जनरल क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर, इस लिंक पे आपको मिल जाएगा क्लास टेंथ का और क्लास ट्वेल्थ का। ऊपर से अगर आप इसको देख लें, पहले आपको करना क्या है, क्वेश्चन पेपर जो जनरल क्वेश्चन पेपर आया था 2018 में, अपने अपने क्लास का जा करके अपने सब्जेक्ट का आपको देखना है। मैं दिखाता हूँ कैसे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इस पर क्लिक करेंगे, सपोज करिए आप क्लास टेंथ वाले पे क्लिक करोगे, 2018 का पेपर आपको चाहिए क्लास टेंथ के लिए। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो देखिए ढेर सारे लैंग्वेज के, मतलब ढेर सारे सब्जेक्ट के पेपर ओपन हो गए। और यहाँ पे दिया क्या हुआ है, क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास टेंथ बोर्ड एग्जामिनेशन 2018, यानी बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था वो यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा, जितने भी सब्जेक्ट हैं। अगर कोई सब्जेक्ट यहाँ नहीं सो रहा है तो यहाँ आप अदर सब्जेक्ट में जाकर के क्लिक करके देख पाएंगे। वैसे सारे सब्जेक्ट यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट हैं सो हो रहे हैं, और इस पे जा करके आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब ये जब 2018 का पेपर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको उसके ये पता चलेगा कि आपके लिए वो टफ है या नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पे आप ये सोच सकते हैं कि मैं आपको क्यों नहीं बता रहा है कि मेरे लिए टफ था या ईजी था। तो देखिए मेरे लिए तो सारे पेपर इसमें ईजी हैं क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे लिए तो ईजी ही रहेगा। तो मैं ये नहीं गेस कर सकता कि आपके लिए कितना टफ है या कितना इजी है, तो ये निर्णय आपको लेना होगा। आप देख करके समझ जाओगे कि कितना इजी या कितना टफ पेपर आता है, तो इसमें से आप अपने उस चैप्टर को, उस सब्जेक्ट को डाउनलोड कर लीजिए जिसमें आपको लगता हो कि आपको कंपैरिजन करना है। तो ये मेन पेपर है, अब मेन पेपर डाउनलोड करने के बाद आप बैक हो जाएंगे और मेन पेपर आप पढ़ लीजिए कि कैसा आया था। ऐसे ही क्लास ट्वेल्थ में भी आप जाएंगे तो आपको क्लास ट्वेल्थ का सारा पेपर यहाँ पे दिख जाएगा और उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। देख लीजिए सारा पेपर यहाँ पे क्लास ट्वेल्थ का भी दिया हुआ है। और हम फिर से बैक होते हैं और चलते हैं अपने मेन पेज पे जहाँ हमको ज़रूरत है। जब आप उसको पढ़ लेंगे उसके बाद में आपको कंपार्टमेंट के पेपर्स देने हैं, कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के पेपर को डाउनलोड करना है। क्लास टेंथ के हैं तो इस लिंक पे क्लास टेंथ वाले, नहीं तो क्लास ट्वेल्थ वाले इस लिंक पे। अब देखिए क्लास टेंथ में हमने किया ओके, और मैं एक करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता हो जाए कि सर कैसे आया था पेपर। देखिए हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे ढेर सारे सब्जेक्ट्स खुल गए क्लास टेंथ के, और ये कंपार्टमेंट एग्जाम है 2018 का जो कि जुलाई में हुआ था पिछले साल। तो दोस्तों अब इसमें खुल गया, अब आप क्या करेंगे, किसी एक पेपर पे, साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत, जिस पे भी आप चाहें उस पे क्लिक करें। तो आइए मैं साइंस पे क्लिक कर देता हूं, और जैसे ही आप साइंस पे क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो ये पूछ रहा है कि आप फिर से डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं डाउनलोड करना। फिर जब मैं ओपन करूँगा एक जिप फाइल ओपन होगी, देख लीजिए कौन सी फाइल, ये जिप फाइल क्या होती है, इसमें ढेर सारे तरीके के फाइल्स, मतलब ढेर सारी तरीके के पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स एक ही फाइल में कंप्रेस करके रख दिए जाते हैं, तो उसको जिप फाइल बोलते हैं। और इस पर जब क्लिक करेंगे तो ढेर सारे तरीके की फाइल्स आएंगी, आप इस पर किसी भी एक पे क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। अब जब ओपन होगा तो इसमें भी कई तरीके का होगा, आप नॉर्मली, अब क्या क्या होगा इसी को बताने के लिए मैंने इसको ओपन किया है। देखिए
साइंस का पेपर होगा उर्दू वर्जन में यहाँ दिया हुआ है। तीन सेट का पेपर बनता है, देखिए पेपर सेट वन, सेट टू और सेट थ्री, हर एक पेपर तीन सेट में बनता है सीबीएसई का, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए उर्दू वर्जन था, पंजाबी वर्जन है और यहाँ पे लास्ट में तीन सेट दिया हुआ है, 31 ये पहला सेट, ये दूसरा सेट और ये तीसरा सेट। अब इसमें से आपको कोई भी एक सेट चाहे तो आप तीनों डाउनलोड करके देख सकते हैं या एक पे ओपन करके देख सकते हैं। तो आइए मैं पहला आपको ओपन करके दिखा देता हूं कि किस तरीके से यहां पे पेपर दे दिया है सीबीएसई ने। अब जब आप इसको पहला ओपन करेंगे तो इस तरीके से कुछ आपका पेपर खुलेगा और इसको जा करके आप पढ़ लेंगे। देखिए ये पेपर खुल गया, साइंस का पेपर हमने डाउनलोड किया है और ये पेपर सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पे डाल रखा है। तो जैसे ही आप खोलेंगे पूरा का पूरा पेपर आपका खुल जाएगा। देखिए 12 पेजेस का पेपर इसमें दिख रहा है, सारे इंस्ट्रक्शंस दिख रहे हैं और सारी चीजें आपको दिखेंगी। तो जब आपने मेन पेपर एक बार पढ़ा हुआ होगा तो दोबारा जब इस पेपर को पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो वाला पेपर टफ था या ये वाला पेपर टफ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जाकर के अपने अपने सब्जेक्ट के सारे पेपर्स डाउनलोड करके चेक कर लीजिए। दोस्तों ये वीडियो बस यहीं तक, मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में। अगर आपकी कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। चलते चलते मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इसका एग्जाम जो होगा वो जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में हो जाएगा और इसका रिजल्ट अगस्त के फर्स्ट वीक तक हर हाल में आपको मिल जाएगा। हमारे अकॉर्डिंग में चलते चलते बता देता हूँ, इसका जो एग्ज़ाम होता है वो कंपार्टमेंट का वो इजी आता है हर एक स्टूडेंट के लिए, वो इजी ही पेपर बनाते हैं। तो इसके लिए घबराइए मत, मेरे हिसाब से इजी होता है, आप अपने हिसाब से भी गेस कर लीजिए, देख लीजिए कैसे होता है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।